नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की खबरों के साथ। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन सोनभद्र में गरीब आदिवासी मजदूर जो है वो डर डर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, लोगों का कहना है कि सोनभद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब दलालों का अड्डा बन चुका है। बकायदा न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। तारीख थी 12 अगस्त जब हमने देखा कि ओपीडी में सिर्फ दो डॉक्टर ही मौजूद है, बाकी के डॉक्टर्स ओपीडी से नदारद नजर आए। मरीजों ने बताया कि वो अस्पताल में हर रोज इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर ज्यादातर नदारद ही रहते हैं और उन्हें या तो वापस लौटना पड़ता है या फिर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ कूच करना पड़ता है। मरीज लेके आए हैं, कोई डॉक्टर बैठा ही नहीं है और हमारे मरीज बहुत काफ़ी परेशान है। अब हम किसको दिखाएं? और सारा व्यवस्था अस्पताल में जर्जर है, कोई डॉक्टर नहीं मिला। कहाँ से आए हैं आप? हम गांव खजली से आए हैं। कितना दूर होगा अस्पताल से? अस्पताल से एक किलोमीटर सवा किलोमीटर दूर है गांव। और यहाँ कोई पहले कभी आते हैं तो डॉक्टर मिलते हैं इस तरह के? ऐसे कई बार वारदात में हम आए जबकि डॉक्टर नहीं मिलते हैं, एक ही डॉक्टर जो बैठे हैं। दवा वगैरह आपको बाहर से लिखी जाती है, अंदर से ही मिल जाता है सर? नहीं, और दवा तो कुछ दवा, दो तीन दवा अंदर से मिलता नहीं, बल्कि बाकी दवा बाहर लिखे जाते हैं। अगली खबर आगरा से है। आगरा में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मंगलवार की सुबह शहर की महिला पुलिस कर्मियों द्वारा मैराथन दौड़ के माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मैराथन दौड़ में 125 महिला पुलिस कर्मियों, महिला निरीक्षकों और उपनिरीक्षक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये मैराथन लगभग 4 किलोमीटर लंबी थी। साथ ही इस दौड़ में विजेता रहे पुलिस कर्मियों को पुरस्कार भी दिए गए। लगातार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, इसी क्रम के दौरान आज यहाँ पुलिस लाइन आगरा में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 125 पुलिस कर्मियों ने प्रतिभाग किया और इसमें 4 किलोमीटर की मैराथन दौड़ थी। इसमें जो 5 टॉप जो पुलिस कर्मी हैं इस दौड़ में जीतने वाले, उनको पुरस्कृत किया गया है। बाकी सबको जो है वो फल वितरित किया गया है और आगरा पुलिस लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जो कल दिनांक 17/8/22 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर एक मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरा वीडियो संभल के गुन्नौर कस्बा में नरौरा रोड का बताया जा रहा है। लोगों ने इस मगरमच्छ को सड़क किनारे बने नाले के ऊपर चढ़ते देखा, जिससे कि वहां से गुजर रहे किसी कार सवार ने मगरमच्छ का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस वीडियो को देखकर सभी लोग हैरत में हैं। यूपी के हाथरस में उस वक्त हरकंप मच गया जब सड़क किनारे कॉलोनी के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के परिजनों को सूचना दी और मौके पर परिजनों ने कोहराम मचा दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। देश में अमृत महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। यूपी के बिजनौर में 15 अगस्त पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीज व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने करीब पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं बीज व्यापारी मुनीष त्यागी ने बताया कि पिछली सरकारों द्वारा कराए गए विकास कार्यों को याद दिलाते हुए सभी बीज व्यापारियों द्वारा तिरंगा झंडा लेकर सड़क पर निकलकर इस अमृत महोत्सव को खास बनाया गया। साथ ही जय जवान जय किसान और विकास के नारे लगाकर इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने भाग लिया। अगली खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य सम्मान अफरोज खान की बेटी और एनजीटी कोर्ट नई दिल्ली के न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद की पोती
शिजा खान लोदी की लंबी बीमारी के बाद मंगलवार सुबह निधन हो गया। शिजा खान महज 5 साल की थी और बचपन से ही कैंसर से पीड़ित थी। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।